रीवा जिले के सभी कार्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाया गया और स्वच्छ कार्यालय स्वच्छ परिसर अभियान के तहत साफ सफाई की गई। वहीं कलेक्टर इलैया राजा टी ने कार्यालय सहित साईं बाबा मंदिर परिसर में साफ सफाई की और लोगों से भी साफ सफाई रखने की अपील की। कहीं भी कपड़ा ना फेंकें, बल्कि उसे बनाए गए उचित स्थान पर ही फेंकें और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हर शनिवार को कार्यालय में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। नहीं, पूरी अक्टूबर महीने में हम लोग ने पूरे ज़िले में ये हम लोग ने सुनिश्चित किया गया हर शनिवार को हम लोग एक ना ब्लॉग रन करेंगे। मींस सभी लोग, सामाजिक संगठन, सरकारी कर्मचारी, सभी लोग मतलब सड़क पे निकलेंगे और कभी भी ना प्लास्टिक के ना टुकड़ा पड़ेगा वो प्लास्टिक को रिमूव करने के लिए काम करेंगे। मेन उद्देश्य हमारा यही था। आज भी हमारी ना बहुत सारे ऑफिसेस में नीचे तक ना सभी स्कूल, आंगनवाड़ी, ग्राम पंचायत भवन है, सभी जगह कैंपस की सफाई के ना अभियान आज लिया गया है। हमारे लिए सबको पता है प्लास्टिक है ना बहुत है ना हानिकारक है पूरे पर्यावरण के लिए है, इसलिए प्लास्टिक को रिमूव करना है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, स्पेशली चाय की कप है जैसा आपने कहा है, मतलब इवन नशेली भी है ना यहाँ है ना थोड़ी सी जमावट है, इसलिए कोरेक्स की बॉटल भी मिल रही है। हम लोगों ने एसपी साहब से बात भी करेंगे और लगातार डायल 100 या फिर पुलिस की पेट्रोलिंग है ना यहाँ बढ़ाएंगे, हर एरिया में बढ़ाएंगे।